तो कैसे आपका स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पे। तो अभी मैं सहारनपुर आया हुआ था और कार का जो है मैंने जाने से पहले इसका पोल्यूशन करवा लिया था, चेक करवा लिया था, पर अब वो एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी कार 2010 का मॉडल है तो इसका केवल 6 महीने का बनता है और दिल्ली NCR केवल 3 मंथ्स। तो मेरे को आके मैंने देखा कि अगस्त में एक्सपायर हो गया है, मेरे को दोबारा से करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाया तो 1000 रुपये का चलान है। हमें पोल्यूशन करवाना होता है, हमें कार अपनी अपोजिट मतलब उल्टी खड़ी करनी होती है, यानी कि हमारा जो साइलेंसर है वो मशीन के साइड हो ताकि वो आराम से कंप्यूटर से चेक कर सके। और मैं अपनी कॉलोनी के बाहर, अंकल है, इनका मोबाइल नंबर ये रहा, यहीं से करा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ। और ये अंकल अभी, और हमारी गाड़ी अंकल पेट्रोल गाड़ी है 2010 की। अच्छा, हाँ जी। तो अभी भैया नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचेंगे और साइलेंसर में एक पाइप डाला है, कंप्यूटर से लिंक्ड है। भैया पाइप से क्या होगा? धुआं चेक होगा। अच्छा, धुआं चेक होगा, ठीक है। मुझे कुछ करना है और पार्किंग लाइट बंद करना, फोटो साफ। अच्छा, ये वाली लाइट बंद कर दूँ, ठीक है भैया। भैया और हाँ, जब भी आप पोल्यूशन करवाइएगा अपनी कार का इंजन आप ऑन रखिएगा। और मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही थी। ज़्यादा लंबा काम नहीं है, बस 5-10 मिनट में हो जाता है ना भैया? अच्छा, और चार्जेस अलग अलग है, डीजल कार के अलग और पेट्रोल के अलग? अच्छा, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं चार्जेस और सब जगह सेम होते हैं, मतलब स्टेट वाइज है ना भैया? किसी से भी करवा सकते हैं, स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। अच्छा, हाँ वो स्टेट वाइज। हाँ, स्टेट वाइज अलग अलग है। हाँ जी, उत्तराखंड में अलग रेट है। हाँ जी, दिल्ली में अलग है, सब जगह अलग 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 है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू भैया। काम हो गया और तो कुछ है नहीं, मम्मी के साथ अगर प्लान है घर जाने का, मतलब बाहर जाने का, तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल ही जाएंगे अब, है ना? कल मॉर्निंग में बैंक, कल पता नहीं कि छुट्टी होगी या खुली होगी क्योंकि कल है सैटरडे। यार अब सैटरडे का नहीं पता होता। गाड़ी का काम करवाने के बाद मैं घर आया, अपना लंच किया और फटाफट से मम्मी के साथ थोड़ा बाज़ार का काम था क्योंकि दिवाली आ रही है तो शॉपिंग भी रहती है, शॉपिंग करके मतलब 1 घंटे में लोग आ गए। और बस अब कुछ भी नहीं करना है अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।